वेलकम बैक टू वंस अगेन न्यू वीडियो ऑफ ड्यूनिटी गेमिंग। आई एम योर लेजेंडरी फाइट एंड वेलकम बैक टू वंस अगेन न्यू वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है वो सबसे हटकर है एंड सबसे ओपी वीडियो है अब तक की, सबसे बेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस इधर आज जो टारगेट है, ग्रैंड मास्टर इज इक्वल टू बिजनेस, सॉरी ग्रैंड मास्टर इज इक्वल टू बिजनेस, ओके। तो गाइस देखो, आप लोगों को पता है जैसे कि गरीना जो है 5000, ठीक है, मतलब 500 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम देखा था, आई डोंट केयर, ठीक है, बट फिर भी बोल रहा हूँ 5 करोड़ में मतलब आप 5 करोड़, मतलब देखो 500 मिलियन, सॉरी, उसमें से आपको 5 करोड़ नहीं, 5 लाख नहीं, 5 लाख तो छोड़ दो भाई, 3 लाख भी नहीं, 3000 भी नहीं, 300, सिर्फ 300 बंदे ग्रैंड मास्टर पे होते हैं। इज इक्वल क्यों भाई, क्यों ऐसा होता है? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, 300 बंदों में से आपको कोई भी नहीं पता होगा, कोई भी नहीं बताएगा लिटरली। वाई, क्या है ये, इसमें है क्या जो इसमें बिजनेस है? ग्रैंड मास्टर एक ऐसा बिजनेस है बनते जो सब करना चाहेंगे जानने के बाद। अब मैं आप सबको बताता हूँ कैसे, देखो 3 ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको ग्रैंड मास्टर से पैसा मिल सकता है। बिजनेस इज इक्वल टू ग्रैंड मास्टर एंड लिटरली गाइस ये मैं भी कभी कभी कर लेता हूँ भाई, पैसे मिलते। तो देखो सब बंदे तो नहीं बताते बट मैं बताता हूँ, ठीक है। 300 बंदों में से कोई भी, मोस्ट ऑफ 50 बंदे मुश्किल से बताएंगे आपको ये ट्रिक। तो मैं 3 ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा। पहली ट्रिक का इसी है, आप कोई भी गेस्ट अकाउंट लो, डबल रैंक टोकन लो, या फिर डबल रैंक टोकन वाला अकाउंट लो, या फिर गेस्ट अकाउंट लो, खुद का अकाउंट लो या खुद के दोस्त का, उसको 24 घंटे में ग्रैंड मास्टर पे चढ़ाओ, टॉप 100 में लाओ। बंदा ये नहीं देखेगा आपका कलेक्शन क्या है, आपका क्या है, मतलब वैल्यूड क्या है, लेवल कितना, लाइक कितना है। 20 लेवल की आईडी भी ग्रैंड मास्टर पे रही ना, बंदा मुंह पे 10,000 फेंकेगा, बोलेगा मुझे आईडी दे, ठीक है। ये होता है, मतलब 10,000 तो आपको ऐसे ऐसे 24 घंटे में 10,000 मिलता है, वो तो सीजन चेंज 2 महीने में होता है। अगर हर दिन होता होगा तो हर दिन भाई 10,000 कमाओ फिर, है कि नहीं? इसको ही बोलते भाई बिजनेस। अभी ये तो बहुत कम बंदों को पता होगा कि कलेक्शन नहीं देखा जाता, ठीक है। इधर अभी गेस्ट अकाउंट्स भी उठा के अपन को डाल सकते हैं। अभी देखो जैसे कि 20 लेवल का गेस्ट अकाउंट पहले दिन पुश कर लिया ग्रैंड मास्टर, डायरेक्ट ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाता है, ठीक है, ये सीन होता है। एंड फिर अगर उसके आगे बात करें हम लोग ग्रैंड मास्टर को भी छोड़ कर, ठीक है, अभी सेकंड मतलब टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। सेकंड ये है गाइस, सेकंड थोड़ा मुश्किल तो नहीं है, सब सेकंड और थर्ड सब करते हैं, ठीक है, फर्स्ट बहुत कम करता है जो मैंने बता दिया। अब सेकंड जो है वो सुनो, अभी ये होता है पहले दिन में ग्रैंड मास्टर पे गए, अगर आपको टॉप 10 में रहना तो गिल्ड जो है ना, अच्छी अच्छी गिल्ड, जैसे कि बॉस गिल्ड, एरो की गिल्ड, एक्शन बोल्ट की गिल्ड, ये सब बंदे खरीदते हैं ग्रैंड मास्टर के, जो इनके आईडी में होते हैं ना ग्रैंड मास्टर के बंदे। अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इधर बहुत अच्छे अच्छे बंदे गिल्ड में होते हैं, कोई कोई गिल्ड में ही नहीं होते। अभी जो गिल्ड में नहीं है ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई मारद आएगा और हमको खरीद के लेके जाएगा, ये सब वही इंतज़ार में पड़े, वही इंतज़ार में कब कौन आएगा। तो इधर आपको बोली लगती है कि इतने पैसे में इतना लेके जाएगा, अभी आपको 1 महीने का मिलता है कहीं से 3,000, कहीं से 4,000, कहीं से 3,000, कहीं से 4,000, तो जिसको जिसको ज़्यादा मिलता रहेगा जिधर वो साइड हो जाता है। एंड वो डिपेंडिंग होती है आपके लेवल, मतलब लेवल मतलब ये टॉप 100 में कि आप कहाँ पर हो, टॉप 100 है तो आप 300 में भी चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ग्रैंड मास्टर मेन बात है। तो वो तो आपके मतलब पोजीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं और कौन से साइड से ज़्यादा मिलते हैं, आप उसमें जाते हो। एंड थर्ड बात जो है वो है भाई, मतलब आप ग्रैंड मास्टर पे हो, ठीक है, ग्रैंड मास्टर पे उसमें तो मतलब ज़्यादा बंदे 100 नंबर पे रहने के बाद या 50-10 के अंदर रहते हैं टॉप 10, तो ही वो बंदे वो ट्रिक को आजमाते। अब ट्रिक क्या है ये बताता हूँ, देखो आप ग्रैंड मास्टर पर टॉप 10 पे अच्छी खासी पोजीशन है, फ्रेंड लिस्ट में बंदे भी बहुत अच्छे जो आपको मतलब ग्रैंड मास्टर वालों को नाम से, मतलब कोई भी बंदा आपको आएगा बोलेगा आपका पेटीएम नंबर दो या फिर टॉपअप कर देता हूँ, 500 या 1,000 मांग सकते हो आप उसके, और हफ्ते भर आप उसका नाम रख सकते हैं, मतलब वो बंदे का, आप समझो ये बंदे का नाम है वीजी वर्षा, मेरे फ्रेंड लिस्ट में था, ठीक है, अभी रीजन पे मेरा अचानक से ध्यान गया, ये वीजी वर्षा जो है ये हैकर के साथ खेलता है, पहले ही बोल रहा हूँ, चलो बात छोड़ दो, इसकी बात नहीं करते अपन, हैकर्स के साथ जो खेलते हैं उनको एक्सपोज करेंगे ज़रूर, बट अभी नहीं। और ये बड़बो का लेवल देखो, पहले 73 लेवल था, आईडी का ही लगता है, चलो कोई बात नहीं। तो इधर बात करते हैं हम, अब जैसे कि देखो ये वीजी वर्षा है, ये बंदा मेरे को आता है बोलता है कि भाई तुम्हारा अपने आईडी का नाम चेंज कर लो, एक हफ्ते का मैं पहले आपको पेमेंट कर दूंगा, चाहिए तो 1,000 रुपये, आप एक हफ्ते के लिए मेरा नाम रख लो, और वो पैसा दे देता है, आप उसका नाम रख लेते हो,
ये बात होती है। एंड ग्रैंड मास्टर के बाद और भी फोर्थ फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब ग्रैंड मास्टर अनलिमिटेड बिजनेस बोल सकते हैं भाई। थंबनेल और टाइटल तो देखा होगा इस, अभी इधर अपन देखने का इंस्टाग्राम पे तुम एक पोस्ट का चढ़ा दे दो, सब बंदे तुमको मेंशन करने लगेंगे कि मतलब मेंशन ही मेंशन पड़ने वाले तुमको भाई, समझे कि स्टोरी लगेगी, पोस्ट लगेगी, उसके बाद व्यूज आएंगे, व्यूज आने के बाद यूट्यूब पर भी तुम्हारा अच्छा ग्रोथ हो सकता है ग्रैंड मास्टर से। यही नहीं, अब ग्रैंड मास्टर से प्रॉफिट क्या होता है, मैंने वीडियो में ये तो नहीं बता दिया तुमको कि कमाया क्या जा सकता है, बट टॉपिक इज्जत क्या मिलता है ग्रैंड मास्टर से ये बताना बाकी है। अब जानते तो अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या है। अब ग्रैंड मास्टर से फ़ायदा क्या होता है, ग्रैंड मास्टर से फ़ायदा ये होता है आपने डाल दी वर्ल्ड में रिक्वेस्ट, या फ्रेंड लिस्ट का कोई बंदा बुला दिया जिसको पहले दिन में अपन ग्रैंड मास्टर गया, उसके बाद उसको बुलाया, बोला भाई तू ग्रैंड मास्टर गया, भाई कैसे गया, भाई फलाना, भाई ढिमका, भाई तू गया कैसे, भाई ओपी, भाई तू क्या ही खेलता है, तू तो बाप है, तू ही भगवान है, ये सब चलता रहता है। ठीक है, ये आपको हो गई इज्जत बढ़ना। और रैंडमली भी अगर आपका कोई फ्रेंड लिस्ट का लड़की लड़की ठीक है, लड़की की तो कमी नहीं होगी, लड़की की तो खुद रिक्वेस्ट आएगी, और आपका कोई फ्रेंड बाय लक कोई फ्रेंड को बुलाता है, लड़की को बुलाता है, तो वो भी बोलेगी भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, भाई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ले लो, भाई मैं कम मुँह में लूँगी, वगैरह वगैरह आपको बहुत कुछ मिलेगा भाई, देखते हैं। एंड गाइस ग्रैंड मास्टर जाना, देखो आप लोग जितना मतलब इजी समझ रहे हो उतना इजी नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स सुन आएगी विथ फुल्ली। अभी ये सब लोग जो मतलब जो माधवचोद लोग है, वन डे पुशिंग फॉर ग्रैंड मास्टर, टॉप 100, टॉप 300, पुशिंग फॉर वन, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह, लहसुन चिवड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स और वगैरह वगैरह जो हाइड एंड प्लेस है, एंड टॉप वन कैसे करें, ये एक बात बता देता हूँ, ये माधवचोद की कभी मत सुनो, ये सुनोगे और इनकी वीडियो देखोगे ना कभी साथ नहीं दे पाएंगे भाई, कसम से बोलता हूँ। हर एक बंदे की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर एक बंदे के खुद पर डिसाइडिंग रहते हैं भाई, डिसीजन होते हैं भाई अलग अलग बंदों के कि मतलब उसको क्या करना चाहिए, वन खेलना चाहिए, सोलो डुओ स्क्वाड। जैसे कि देखो पहले तनिष नाल मैंने बॉन्डिंग बनाई अच्छी दोस्ती की, फिर समझ रहे हो ना कोऑर्डिनेशन बनाया, फिर साथ में रह के चलना सीखा, अभी एक फैलको एक वॉल पैड वगैरह वगैरह। तो भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है, पहले खुद पर मतलब, और अपना कभी बंदा मेन तो ये याद रखो कि अपना बंदा अपने साथ रहने वाला चाहिए, ठीक है, बाकी और कोई चूतिया हुआ नहीं है इधर। एंड कैस 20-20, 40-40 घंटे तक सोने नहीं मिलता वगैरह, खाना खाने टाइम पे नहीं मिलता, चाय कभी पियो, आंखें दर्द होगी, सिर दर्द होगा, नींद आएगी वगैरह वगैरह, और भी बहुत कुछ होता है ग्रैंड मास्टर के लिए। मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बनाऊंगा तब सब कुछ बताऊंगा भाई, पार्ट वन पार्ट टू करके, एंड बहुत कुछ होता है जितना इसे समझ रहा है कोई बंदा चैलेंज करता है ग्रैंड मास्टर। एंड अगर गलती से भी मैं आपको बताता हूँ ग्रैंड मास्टर वाले की इज्जत पर, मतलब इज्जत पर तो उनकी खोल के मार ली जाती है, अगर गलती से भी वो बंदा कस्टम के आ जाता है 1v1, अगर गलती से भी वो बंदा हार गया ना आपसे गाइस, वो बंदा स्टोरी चढ़ा देगा ग्रैंड मास्टर वाले को हरा है, और अपने दोस्त लोगों को बताएगा देख तेरा भाई प्रो हो गया, तेरा भाई ने ग्रैंड मास्टर वाले को हरा है, इतने सारा है उतने सारा है। भाई पहले देखो, स्पोर्ट्स प्लेयर है, फुल मैप प्लेयर है, अच्छा खेलता है, क्लैश स्क्वाड कभी जिंदगी में नहीं खेला, उसको तुम लेके जा रहे हो भाई। अब तुम समझो तुम कबड्डी नहीं खेल रहे हो, वो तुमको कबड्डी में बुला के तुम पर रेड मार के तुम्हारे पैर पे पैर मार के जाएगा, और तुम आ जाएगा डिफेंड 1 पॉइंट, घंटा भी उसको समझेगा क्या किया इसने, सीधी बात है भाई। चलो कोई बात नहीं, आप तो समझ रहे हो ना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो और घंटा दबाओ। चलो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। I'm not afraid of the dark.